राम राम भाई सभी को। आज डे 6 ऑफ 75। देख ठुकरी एक थी। चलो चलते हैं पानी पी के ग्राउंड पे। आज वैसे जल्दी जाना था, 4-5 बजे उठ के लेट हो गई। क्यों नहीं उठा गया रास्ते में बताता हूँ। पारी एक बार आप काम कर दो। पारी ठीक था। भाई मेहनत भी होगी है। ग्राउंड पे आए थे, हम निकलते हैं घर की तरफ। लो भाई एक बार बाहर निकल के स्टेडियम से मैं आपको बताता हूँ। मैं सुबह आना था और क्यों नहीं आ पाया, आज लेट क्यों हुई। आज जल्दी आने की सोच रहे थे 4:30-5 बजे, तो लेट इसलिए हो गया भाई। सुबह आना था, आज जल्दी हमें सोचा था थोड़ा ज़्यादा करेंगे और जल्दी आ गए ताकि थोड़ा धूप में कम दुखी हो। लेकिन आपको पता है कल 1 अगस्त था और 1 अगस्त को एस्ट्रोनॉमिकल या एस्ट्रोलॉजिकल व्हाटएवर साइंस छोड़े कई साल हो गए, एस्ट्रोलॉजिकल न्यूज़ के हिसाब से कल था फुल सुपर मून नाइट। तो कल रात को जब जैसे ही सोने लगा तो मैंने देखा कि चांद पूरा बिल्कुल ब्राइट शाइन कर रहा है और बिल्कुल ऐसा चांदना हो रखा है जैसे सुबह सुबह होता है 6-7 बजे के आसपास। ऊपर गया अपना कैमरा ले गए तो फिर 2-4 बढ़िया से फोटो खींचे। फोटोज मैं आपको इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे डालूंगा, अभी डाले नहीं है मैंने, उसका छोटा सा एक रील भी बनाई है मैंने, ठीक है ना। तो इसीलिए फिर रात को फोटो खींचते ऊपर थे मच्छर बहुत ज़्यादा, तो टाइम लग गया 1.5 घंटा। तो 2 बजे सोए और इसलिए फिर सुबह आँख नहीं खुली तो इसलिए लेट उठे हम। ये था रीज़न आज का लेट आने का। लेकिन जो फोटोज मैंने खींचे हैं, और एक इसी में इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, सेम जो नाइट ऐसी है फुल सुपर मून नाइट आएगी 31 अगस्त को, स्टे ट्यून, डेट नोट कर लो। और 18 अगस्त को सन बिल्कुल ऊपर होगा 90 डिग्री पे अर्थ के। तो कई देश ऐसे होंगे जिसमें शेडो भी दिखेगी, परछाई भी दिखेगी, तो हो सकता है इंडिया में हो या ना, पर देखेंगे, लेट्स सी। और 27 अगस्त को ये है कि सैटर्न जो है प्लेनेट वो बिल्कुल सन के सामने होगा एकदम, और उसकी रिंग्स भी दिखेंगी। ऐसे कह रहे हैं 100-150 साल में पहली बार हुआ है, तो हमारे जीवन काल में ये पहली ऐसी चीज है जो इसको मिस नहीं करना चाहिए। उसके बाद तो फिर केड़ा कद मौका मिलेगा ही नहीं। तो डेट नोट कर लो, 1 अगस्त था जो कल बीत गया, 18 अगस्त सन 90 डिग्री पे होगा, नो शेडो डे। 27 अगस्त सैटर्न दिखेगा नेकेड आई से, 31 अगस्त को दोबारा से सुपर मून होगा, ठीक है। अब ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, अभी निकलते हैं घर वापस और जाके अपनी नेक्स्ट करते हैं तैयारी। हेलो भाई आ गए हैं, हम खाएंगे पसीने सुखा के ड्राई फ्रूट। डाइट में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे मुझे लग रहा है, कमेंट करके बताओ क्या क्या और रिकमेंडेड है जो ऐड हो सकता है डाइट में, क्योंकि एनर्जी कम फील हो रही है। पता नहीं तो बुढ़ापा आ गया इसलिए या पता नहीं क्या। जिस भाई को भी अच्छा ज्ञान हो, आजकल बहुत ज्ञानी है इंटरनेट पे, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कुछ और क्या ऐड कर सकते हैं डाइट में मसल स्ट्रेंथ और वेट लॉस के लिए। भाई नहा धो के रेडी, पसीने आ रखे थे, गर्मी में बुरा हाल था, तो ये मैं बनवा लिया एक गिलास पहले मग्गा, पहले लस्सी पियेंगे उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे। देखो ठंडी ठंडी। लो जी बहुत ज़रूरी काम था, निकल लिए, ब्रेकफास्ट भी मिस हो गया आज, तो मिस क्या हुआ, टाइम ही नहीं था आके खाएंगे। लेकिन हमने अपने ये ले लिए हैं, ये देखो स्प्राउट्स ले लिए हैं, इस दिन में ये खा लेंगे और पानी पीते रहेंगे। ये काम बहुत करना जरूरी है दिन में, जो बहुत ज़रूरी काम है। काम क्या है शायद आपको बाद में बताएंगे, एक बार वो निपटा के फिर वापस घर आके फिर अखबार पढ़ेंगे और फिर खाना खाएंगे। भाई दोपहर के 12 बज गए, काम पूरा हुआ नहीं और भूख लग गई, तो वापस घर जा रहे हैं खाना खाने। पर ये देखो स्प्राउट्स ऑलरेडी चेप दिए पूरे, एक कटोरी, एक टिफिन, प्रोटीन तो भरपूर ले लिया गया है, थोड़ा सा भूख तो लगती है। वापिस जा रहे हैं घर खाना खाने, उसके बाद दोबारा जाना पड़ेगा काम पर, जिस काम करने गए थे वो नहीं पाया तो ज़्यादा गैप हो जाता फिर, क्योंकि खाना खाना भी ज़रूरी है। इधर आजा, ये खाना खा ले, इधर आओ, इधर ले खाना खा ले, क्यों खाना खाएगा, दही पी लो थोड़ी।
शाबाश, मुंह छागी मुंह छागी मुंह छागी। चाबी दे दे मेरे को, मेरे को जाना है। चाबी दे दे, नहीं देवे, नहीं मानने। रणजय कैसे करता है? कैसे करता है? ऐसे गाड़ी खोलता है? ऐसे। इस नहीं मेरा गाड़ी ऊपर खुला। खड़ा हूँ। चलते हो? ऐसे गाड़ी चलाते हो? इतने झोला मत रोड तक तला पाओ। ये तो पलटा देगा तू। हाँ, पलटी मारे पाओगे। थोड़ा थोड़ा करना था कैसे? वैसे नहीं करना। भूख तो पी लिया गाय का दूध एक गिलास, भूख लगी दोबारा तो एक गिलास गाय का दूध पी लिया। ओहो मजा आ गया, ठंडा ठंडा दूध पी गया। लो ये होती खराब किस्मत, छोटे से काम के लिए सारा दिन खराब हो गया, तीन चक्कर काटने पड़े और ट्रांसफार्मर फट गया एंड टाइम पे। आज तक नहीं फटा वो, इतने 25-33 साल तक आज तक वो ट्रांसफार्मर नहीं फटा और आज फट गया आज, क्योंकि हमारा काम था, लाइट नहीं रही सुबह से, दोपहर के बाद लाइट नहीं है और सुबह 10 बजे के बाद लाइट नहीं है तो काम नहीं हो पाया। तो काम होगा अब कल, देखते हैं। वो भी ट्रांसफार्मर ठीक हो गया तो वापस आ गए भाई, दिमाग हो रहा ख़राब। अब पी लेते हैं गाय का दूध एक गिलास ठंडा ठंडा, उसके बाद फिर करते हैं अपना नेक्स्ट काम। थोड़ी देर आराम किया और अब प्यास लगी है, पानी पी के पड़ते हैं थोड़ी देर अखबार। तो एक बार पढ़ लिया गया है, अब कर लेते हैं कुछ काम। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। रणजय पूरे खाएगा है? उसका फोड़ गुड़ फोड़ मारिश के बैग सीख ती, पहले पहले गुड़ फोड़ना पड़ेगा। फोड़ 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 बस रहने दे तू। आपका गिर आम के चार के लिए बढ़िया अलग है, ये नींबू के लिए बढ़िया अलग है। पूरा खाओ, पूरा खाओ, ये ले जाओ, ये ले जल्दी ले, अच्छा होता है, ले खा ले। आज तो भी खा ले। या बारिश का मौसम हो गया भाई, बढ़िया पूड़े खा लिए पर एक गलत काम हो गया, ये सुखा रखे थे बाहर ही बिक गए। लो भाई एक तरह से चीट मील भी हो गया और हेल्दी चीट मील हो गया, घर का तेल, सरसों का, घर का घी, बढ़िया आटा, मल्टीग्रेन और उसके पूड़े, मीठे पूड़े, थोड़े थोड़े मीठे और गुड़ वाले बिना मसाले गुड़ के, मज़ा आ गया। अभी रात के बज रहे हैं 10:30-11:30, शाम को वर्कआउट नहीं हो पाया तो अभी वर्कआउट करके सेकंड वाला फिर सोएंगे, दिखाते हैं आपको।
लो भाई, रात के 11:15 बजे वर्कआउट, अब नींद आएगी नहीं तो नींद नहीं आती। वर्कआउट हो गया पूरा, सपाटे मार दिए, कुछ डंबल, थोड़े क्रंचीज और रस्सी कूद ली, बढ़िया पसीना निकला है। ये देखो सबूत आपके आगे है। वैसे लड़ाई जो है सबूत देने की नहीं है, खुद से लड़ाई है, खुद की सेटिस्फेक्शन जरूरी इसमें। तो भाई जब तक पसीने सूखते हैं व्लॉग को एडिट कर देते हैं 10-15 मिनट, उसके बाद नहाएंगे और फिर खाना तो है ही नहीं अभी, डिनर 11:30-12 बज गए, 5 बजे खाए थे शाम को कूड़े, उसके बाद कुछ नहीं खा लिया है, तो अभी दूध पी के सोएंगे आज, भूख भी नहीं है ज़्यादा। ओ हो हो, लो भाई नहा दोगे रेडी किस चीज़ के लिए, ये देखो पियेंगे दूध। दूध मैंने पूरा भरा था यहाँ तक, एक घूट भर ली, रुका नहीं गया, एक गिलास दूध और ये जैगरी गुड़ वाला च्यवनप्राश 1 चम्मच साथ में। ओह अमृत से भी स्वाद, मेहनत करने के बाद जो ये लगता है आया है। जी करे एक बाल्टी दूध पी जाए पूरा। लो भाई इट्स वाज अ वेरी वेरी लॉन्ग डे, इसको करते हैं आज रैप अप, जो आज वाला काम बचा हुआ था उसको कल करके आएंगे होपफुली, अगर जनरेटर ठीक हो गया तो। और इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म, थैंक यू टाटा बाय बाय। कैसे लग रहे व्लॉग भाई, कमेंट कर दिया करो, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो चैनल को, 75 दिन ये पूरा चकरना चैलेंज, उसके बाद फिर इसको दूसरे तरह से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। चलो ओके बाय बाय, टाटा गुड नाइट, टेक केयर।